दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आज मैं आपको आपके मोबाइल में कैसे राशन कार्ड को देख सकते हैं, कैसे अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले करेंगे छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको सब कुछ लाइव करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इंटरनेट ब्राउजर ओपन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल में सर्च करना है eps epds.bihar.gov.in। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इसको वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है RCM रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको RCM रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद से आपको शो पे क्लिक कर देना है। शो पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ पूछा जा रहा है कि आप रूरल क्षेत्र के रहने वाले हैं कि अर्बन क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको रूरल पे क्लिक कर देना है और दोस्तों अगर आप शहरी या नगरीय क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको अर्बन के नीचे ये जो संख्या दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको रूरल का पहले बता देता हूँ तो यहाँ पर मैं रूरल पे नीचे जो संख्या है उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपको ब्लॉक का नाम कि आप किस ब्लॉक के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका जो भी ब्लॉक होगा आपको अपने उस ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद से दोस्तों यहां पे दिया हुआ है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों, आप किस ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं आपको अपने उस ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेने के बाद से दोस्तों उस ग्राम पंचायत में कितने राजस्व गांव हैं वो सारे यहां पे आ गए हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी राजस्व गांव के हैं उस राजस्व गांव पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके इस गांव के सारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी राशन कार्ड लिस्ट में जितने भी राशन कार्ड धारक हैं सबका यहां पे नाम यहां पे आ गया है। और दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये आपका राशन कार्ड संख्या है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड का टाइप। तो दोस्तों, इसमें PHH मतलब कि BPL कार्ड है ये, AAY मतलब कि ये अंत्योदय कार्ड है। तो दोस्तों, आपका जो भी कार्ड होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका किसके नाम से यहाँ पे ये कौन इसके राशन कार्ड के कार्ड होल्डर हैं उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, उनके पिता का नाम दिया हुआ है, कितने परिवार में सदस्य हैं यहाँ पे वो संख्या दिया हुआ है और ये आपके जो भी राशन डीलर हैं मतलब कि जो भी आपके कोटेदार हैं उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो अब दोस्तों, अगर आपको अपने राशन कार्ड को देखना है तो यहां पे जो राशन कार्ड संख्या है इस पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करते ही आप ये देख सकते हैं कि ये आपका राशन कार्ड जो है डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों, इसको आप प्रिंट पे क्लिक करके आप अपने कहीं भी साइबर कैफे पे जाके इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, आपको इसको अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप सेव कर सकते हैं और सेव, जैसे दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल में सेव करना है तो यहाँ पे प्रिंट पेज पे क्लिक करना है और प्रिंट पेज पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एज PDF। इसमें दोस्तों कई सारे ऑप्शन आते हैं तो आपको सेव एज PDF पे क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पे ये जो PDF का सिंबल बना है इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करते ही ये आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड होने के लिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस फाइल का नाम यहाँ पे दे दिया गया है और दोस्तों आपको सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सेव पे क्लिक करते ही ये आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर में ये सेव हो जाता है। अब दोस्तों, चाहे तो आप इसको सिर्फ दिखा के अपने राशन कार्ड डीलर से अपना राशन उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सारी डिटेल आपकी दी हुई है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कितने सदस्य हैं, मुखिया से संबंध क्या है, सारी डिटेल्स इसमें आपको आपके इस विवरण में मिल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।